हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव साइड के लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके जो भी क्रश है अगला 1 घंटा आपको लेके क्या कुछ सोचेंगे। ओके, एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, थीटा पे ध्यान ना दे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रिजल्ट होता है उसे रखे, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप सालों से महीनों से इंतज़ार कर रहे आपके क्रश के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना है, स्क्रीन पे दिए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है। और पर्सनल रीडिंग में आपको रियलिटी समझ में आ जाती है आपके रिश्तों की, ठीक है। तो देखते हैं आपके क्रश की अगले 1 घंटे की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेगी। इनके इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। एस ऑफ कप्स है यहाँ पे, 2 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, दो दो आए यहाँ पे, टेम्परेंस, 10 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम में यहाँ पे द चैरियट। एक और देख ले लेते हैं, वेट क्या है अगले 1 घंटे की फीलिंग्स आपके क्रश की आपके लिए, क्या है फीलिंग्स उनके 1 घंटे की। ट्रैवलिंग, साइलेंस, हार्मनी, एग्जॉशन, एक्सपीरियंसिंग, आपकी इस वक्त क्या फीलिंग्स है, आप इस वक्त क्या फील कर रहे हो आपके क्रश को लेके, आपकी फीलिंग्स क्या है इस वक्त की आपके क्रश को लेके, क्या सोच रहे हो आप इस वक्त। बियॉन्ड इल्यूजन, आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो आपके क्रश को लेके, इनको बहुत ज़्यादा विजुअलाइज कर रहे हो अपने आँखों के सामने, इनका फेस, इनकी पर्सनैलिटी, इनकी फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा देख रहे हो, कम्प्लीट फोकस्ड है आपका, ठीक है। आपके क्रश के ऊपर चांसेस बनते हैं आपको, जैसे कि इनके जैसा कोई पर्सन दिख जाता है या तो इनके नाम बार बार दिखाई देते हैं, ना चाहते हुए भी इनके फ़ोटोज़ आपके सामने आ जाते हैं। जैसे कि अगर आप सोशल मीडिया पे जाते हो तो नहीं चाहते उनको स्टॉक करना, फिर भी इनकी फ़ोटोज़ आपके सामने आ जाती है, तो जो कि बहुत ज़्यादा आप इनको विजुअलाइज़ करने में बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं इस तरह से। मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट करना है, नहीं जाना है, नहीं सोचना है इसके बारे में, फिर भी आपके माइंड में ये चल रहे हैं। इस पर इनोसेंस का कार्ड यही शो करता है कि आपको लग रहा है कि आपकी गलती क्या थी इस रिश्ते में, आपने प्यार किया, अपना 100% दिया, ट्रू लव किया, क्या ये गलती थी आपकी। और जैसे कि लॉयल रहे इनके लिए, जो कि इन्होंने आपके साथ चीट किया, तो आपको यही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सच्ची होने के बावजूद, और जेंडर आप खुद देख लो, ठीक है, मैं लड़की हूँ तो मैं ऐसे ही बोलूँगी, मैं सच्ची होने के बावजूद मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, इमोशंस मेरे ही क्यों तोड़े गए। और जो कि वो झूठा था, प्रैक्टिकल था, फिर भी आज वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप इस तरह से बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, लेटिंग गो, दिल से लेट गो करना चाहते हो, जैसे कि मैंने बोला आप नहीं चाहते हो इनके बारे में सोचना, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो, लेट गो करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। लेकिन इस लेट गो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेट गो करने से जो कि आप अपने लाइफ पे फोकस कर सकते हो और जिससे कि इनका एक्शन आपको जल्दी आने में आपको मतलब कि हेल्प हो जाती है, ठीक है। माइंड यहाँ पे, जो कि आपका माइंड इस वक्त बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट से भरा हुआ है, ठीक है, डिस्टर्ब है बहुत ज़्यादा, आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ हैप्पीनेस नज़र नहीं आ रही है और इनको लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में, मतलब कि नेगेटिव थॉट्स जैसे कि वहाँ पे इसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, थर्ड पार्टी के साथ एन्जॉयमेंट चल रहा है, जो कि इसको मेरी कोई ज़रूरत नहीं है और मैं क्यों इसका इंतज़ार कर रही हूँ, मुझे यहाँ पे जैसे कि मूव ऑन होना चाहिए, इस रिलेशनशिप से जैसे कि निकलना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा इस तरह से सोच रहे हो, शायद ये मेरे लिए कभी भी एक्शन नहीं लेगा, पता नहीं कभी आएगा नहीं आएगा, कुछ क्लैरिटी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, आप इस तरह से बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और बहुत मतलब दिल से डाउट क्रिएट कर रहे हो कि ये कभी भी नहीं होने वाला है, ये कभी भी नहीं आने वाला है, इसी वजह से जो कि आप नेगेटिविटी को अपने और अट्रैक्ट करते हो मुझे दिखाई दे रहे हो, या आपकी इस वक्त की फीलिंग्स है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो हम देखते हैं कि अगला 1 घंटा आपके क्रश की फीलिंग्स क्या रहने वाली है। प्रोटेक्शन का कार्ड है यहाँ पे, जो ये शो करता है कि आपके क्रश आपको जैसे कि साय की तरह फील करेंगे। यहाँ पे स्ट्रांगली साइन से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस आपके क्रश की हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, ठीक है। नंबर यहाँ पे 2, 4, 14, 8, 17, 10, 9, 3,
और 7 आपके आपके क्रश के बर्थडेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा साए की तरह फील करेंगे ये आपसे बहुत, ये जिस तरह से आप इनके लिए लेट गो करना चाहते हो, इनको इनको मतलब सोचना बंद करना चाहते हो, सेम इनकी फीलिंग्स भी वही है, वो भी आपको लेके सोचना बंद करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, कंटिन्यू आपको जैसे कि अपने साथ पाते साए की तरह, भुलाना चाहते भूल नहीं पाते, इनके इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और प्लानिंग बना रहे हैं आपके पास आने के लिए। टू ऑफ वैंड्स यहाँ पे जैसे कि इन्होंने आपको पकड़ के रखा है, इनकी नज़र आपके और है, आना है मुझे बात करनी है, बताना है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जो कि बता नहीं रहे, एक्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पे द चैरियट का कार्ड यही शो करता है एक्शन इनका आएगा लेकिन अभी नहीं, ये टेम्परेंस का कार्ड है, सोच रहे हैं सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन इनके लिए सही टाइम होगा। कुछ लकी लोगों के लिए 7 घंटों में भी इनका एक्शन आ सकता है, कुछ लकी लोगों के लिए 7 दिन 7 हफ्ते और बहुत डिले हुआ तो 7 महीने लगेंगे, इनका एक्शन आपको आएगा ज़रूर। लेकिन जो कि इस वक्त ये जो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट है, परेशान है थर्ड पार्टी से, 4 ऑफ सोर्ड्स है, बिल्कुल सो नहीं पाते ये पर्सन, जहाँ पर भी है रात रात भर जागते हैं। अगर ये काम करने वाले पर्सन है, ऑफिस जाने वाले पर्सन है, तो दिन भर वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है और रात भर जैसे कि जागते रहना डिप्रेशन में, बहुत ज़्यादा तकलीफ है। यहाँ पे हारमोनी चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते में, हारमोनी मतलब कि 10 ऑफ कप्स ही होता है जो कि रीयूनियन का शादी का कार्ड होता है। इनका दिल दिमाग कंप्लीट इस वक्त आप ही के बारे में सोच रहा है और भगवान को जैसे कि प्रे चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो पर्सन जिस तरह से हाथ जोड़े हुए हैं, भगवान को प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ मुझे बचा लो भगवान इस थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ और हैप्पीनेस नहीं है मुझे इसके साथ, और मुझे इनको ना मरने जैसी फीलिंग आ रही है, जैसे कि ये तीनों तलवारें इनके बॉडी में घुसेगी अब तो क्या होगा, पर्सन का मर जाएंगे, तो ये मरना नहीं चाहते, भगवान को यही बता रहे हैं कि मुझे जीना है और मुझे इस थर्ड पार्टी से बचना है, तो कुछ करो भगवान, किसी मिरेकल का इंतज़ार कर रहे हैं। पेज ऑफ वैंड्स ट्रैवलिंग को शो करता है, यहाँ पे भी ट्रैवलिंग का कार्ड आया है जो कि चांसेस बनते हैं कहीं पे जाने वाले अगले 1 घंटे में कहीं पे ट्रैवल करें या तो अभी भी ट्रैवलिंग में है। टेम्परेंस का कार्ड है, बर्डन को उतारना चाहते हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फैमिली प्रेशर है, उस फैमिली प्रेशर को उतारना चाहते हैं, आपको लेके आपके प्यार का बर्डन जो आपने इनको अनकंडीशनल लव दिया है उस अनकंडीशनल लव को उतारना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि यस आपके जैसा प्यार इनसे कभी कोई नहीं कर सका और ना ही कर सकेगा, इसी वजह से जो कि ये आपको बताना चाहते हैं कि यस मुझे तेरे प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पहले जैसा प्यार तुम मुझसे फिर से कर, ये आपको ऐसा बताने के लिए आएंगे ज़रूर, लेकिन पता नहीं आप उनको कितना झेल पाओगे क्योंकि ये तो थर्ड पार्टी के साथ आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे साइलेंस का कार्ड यही शो करता है, इस वक्त वो साइलेंस्ड है, प्लान बना रहे लेकिन आपको एक्शन के जरिए मतलब कि कुछ कॉल मैसेज करके बता नहीं रहे कि हाँ मैं तुझे मिस कर रहा हूँ, तुझे याद कर रहा हूँ, मैं आने वाला हूँ, ऐसा कुछ भी बता नहीं रहे, साइलेंस्ड है, चुप बैठेंगे और जैसे कि आपके लिए एक्शन ले लेंगे, सडनली आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा, मतलब कि या तो आप इनको भूल चुके होगे, अपनी ज़िंदगी में फोकस्ड होगे और इनको इनके लिए सोचना बंद कर चुके होगे तभी आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे। एग्जॉशन इस वक्त शायद बीमार भी हो सकते हैं, कोई डॉक्टर के पास जाके आए हो अभी अभी, ये भी हो सकता है क्योंकि ये पर्सन देख सकते हो किस तरह से इसका फेस देखो आप, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज में है, इसके सर पे जैसे कि पट्टी बांधी हुई है, इसका सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है और मेंटल अटैक्स इनको बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बेवजह दूसरों के ऊपर गुस्सा इनका निकल रहा है, ठीक है, इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है जहाँ पर भी वो इस वक्त हैं। और एक्सपीरियंसिंग मतलब कि जिए जा रहे, जैसे ज़िंदगी में दिन आ रहे वैसे जिए जा रहे, किसी पर्सन को जैसे कि आग में जलाने की जैसी कि आग में जल रहे पर्सन, तो जो दर्द होगा पर्सन को इस दर्द से वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। इनको खुशियाँ सिर्फ आप ही के साथ दिखती है, पहले इन्होंने जैसे कि आपका जो भी इस रिलेशनशिप का पास्ट है, अगर उस पास्ट में आपने कुछ एक दूसरे के साथ अच्छे मोमेंट शेयर किए हैं, उन मोमेंट्स को इस वक्त बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, भगवान को प्रे कर रहे हैं कि आप देख सकते हो मुझे मेरी पहली वाली ज़िंदगी वापस चाहिए। और इस तरह से आपके क्रश अगला 1 घंटा सोचेंगे आपके लिए, तो हम देखते हैं अगर वो आपको कॉल मैसेज सेंड तो नहीं कर रहे साइलेंस से, लेकिन अगर दिल करता है कुछ कॉल मैसेज करने का तो क्या मैसेज कर सकते हैं आपको, ट्रू मैसेज द यूनिवर्स, अगर इनका क्रश अगर इनके क्रश का दिल करता है इनको मैसेज करने का तो क्या मैसेज कर सकते हैं, ट्रू मैसेज क्या मैसेज कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे कि वो सोच समझ के आपके साथ आएंगे, पहले आप ही से डिस्कस करेंगे, आपको पूछ के कुछ डिसीजन लेना चाहते,
पहले जैसे कि इन्होंने आपको कुछ भी नहीं पूछा था, अपने मन से कोई डिसीजन ले लिया था, इस वक्त वो आपको पूछ के और सही मतलब कि अगर आप चाहोगे तो हाँ, आप बोलोगे तो नहीं, इस तरह से आपसे पूछ के कोई डिसीजन लेना चाहते इस तरह से, वो आपको अगर बात करेंगे तो यही करेंगे कि इस वक्त जैसे कि तू जैसा बोलेगी मैं वैसा ही करूँगा, मुझे अब तू बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी है, शायद आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगे हो, इनको आपका लुक बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगा है, आपकी ब्यूटी इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, आपका कपड़े पहनने का स्टाइल, आपका बात करने का तरीका, जो भी है आप में जो चेंजेस आए हैं ना, पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हो आप, तो ये एनर्जीज इनको ना आपके और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। अगर ये मैसेज करते तो यही करते, ठीक है, और देख लेते क्या निकल के आता है आपके क्रश की तरफ से, क्या मैसेज आ सकता है आपको। जो भी थ्री ऑफ सोर्स वाला, जो भी थर्ड पार्टी का इन्होंने आपको पेन दिया है ना, वो चाहते हैं कि आप उस पेन को भूल जाओ, क्योंकि वो आपसे दिल से फिर से रीयूनियन करना चाहते हैं, आपको खुद होकर ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी के जो पेन है इस पेन को आपको भूलना होगा, उसके बिना तो इनके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा आपके पास आने के लिए। इनको फील हो रहा है कि आपने मूव ऑन कर लिया है, ट्रॉप कप्स का कार्ड यही शो करता है कि आपने मूव ऑन कर लिया है, तो ये चाहते हैं कि आप मूव ऑन ना करें, क्योंकि ये आपको अपनी दुनिया मानने लगे हैं। अगर पहले नहीं मानते थे तो अब इनका डिसीजन हो चुका है कि आप इनकी दुनिया हो, आप एक ऐसे पर्सन हो जो ज़िंदगी में वो चाहते हैं, जो भी कोई पर्सन की तमन्ना करता है कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वो सारे क्वालिटीज़ आप में हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हुई, आपको कभी भी खोना नहीं चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो वो आपको बता रही कि आपको मूव ऑन नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो मैं यही बताऊंगी कि आप मूव ऑन करो, लेट गो कर दो, ऐसा करने से ये बहुत जल्दी आपके लिए एक्शन लेगी, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रहता हो ठीक, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग कराने स्क्रीन पे देगा नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, वहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।